आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसे करें? जी हाँ, कोर्ट के बाहर ही आप अपने झगड़े को या मामले को कैसे निपटा लें, बहुत ही ज़रूरी है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में जानना। इसमें भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, मीडिएशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, काउंसिलिएशन हो गया, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू भी होता है ये। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो सभी कुछ ADR के अंतर्गत आता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में जानना ज़रूरी है। और आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट होते हैं इन्हीं से संबंधित होते हैं। कोर्ट के बाहर आप अपने विवादों को कैसे निपटाएं, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। जी हाँ, बने रहिए मेरे साथ यानी अशोक पांडे के साथ। नए हैं इस चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन लीगल एडवाइस, और घंटी नहीं दबाया तो दबा दीजिए। अपॉइंटमेंट के लिए जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से आप अपॉइंटमेंट मेंशन करके मुझे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, आपको पसंद नहीं आएगा लंबी लंबी कोर्ट की डेट्स में जाना, और इन्हीं लंबी कोर्ट की डेट्स को अवॉइड करने के लिए, लंबे केसेस चलने से बचने के लिए, आपके पास या दोनों पार्टीज़ जो भी लड़ने झगड़ने वाली पार्टीज़ हैं उनके पास एक बेस्ट विकल्प होता है, एक रास्ता अवेलेबल होता है, वो होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ये दोनों तरीके से हो सकता है, आपके केस चलने के दौरान भी हो सकता है, चलने के बाद में भी हो सकता है, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसे करें। सबसे पहले जब कभी भी आप कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट करें तो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट बना लें। अगर आप एग्रीमेंट बनाएंगे तो आपकी या जो ऑपोजिट पार्टी है उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस अग्रीमेंट में मेंशन होती है, लिखी हुई होती है। और अगर आप अपने अग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे तो शायद आपको या ऑपोजिट पार्टी दोनों को ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप इजीली आसानी से अपने मामले का निराकरण या निपटारा कर सकेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जज हो, जज के साथ में भी और जज के बिना भी आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी ये होता है कि कई सारे मामले पैसे के लेन देन से संबंधित होते हैं जहां पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि मैं एक मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित एक सबसे ज़्यादा जो केसेस देखने के लिए मिलते हैं, मैंने एक गाड़ी खरीदी थी लोन में, मैंने उसकी किश्तें नहीं भरी, किस्तें नहीं भरने के बाद में मेरी गाड़ी को सीज़ कर लिया गया। एज ऑब्वियस जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो गाड़ी को सीज़ कर लेगी। अब गाड़ी को वो ले जाते हैं, अब मुझे गाड़ी को छुड़ाना है तो मैं उनके साथ में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करूँगा, या कोर्ट में अगर मैं लड़ने के लिए जाऊँगा तो शायद गाड़ी ही मेरी ना बचे, उतने साल मुझे लग जाएँ, ऐसा भी संभव है। तो मैं आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट करूँगा उसमें मेरे और उनके बीच में, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके बीच में एक अग्रीमेंट यानी करार हो जाएगा कि मैं आपको इस तरीके से पैसे देने की पूरी कोशिश करूँगा और मैंने ये आपको इंस्टॉलमेंट दे दी इस अमाउंट की। और इस टर्म्स कंडीशन पर अगर ऑपोजिट यानी इंश्योरेंस कंपनी भी रेडी है, अग्री है, तो हमारा जो केस है उसी लेवल पर ख़त्म हो सकता है। कई बार सपोज़ डैट पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, 3 या 4 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, दोनों आपस में लड़ रहे थे, लड़ने के बाद अल्टीमेटली दोनों को समझ में आ गया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना ही बेस्ट ऑप्शन है। उन्होंने आपस में ही अपने घर में मौजूदा स्थिति में बात की, एक अग्रीमेंट बनाया जिसे कंसेंट टर्म या अग्रीमेंट भी कह सकते हैं, या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहा जा सकता है, MOU भी कहा जा सकता है। ये अग्रीमेंट बनाने के बाद उन्होंने उस अग्रीमेंट को जिस कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में उनका केस चल रहा था, वहाँ पर पुटअप कर दिया, और कोर्ट ने उनकी बात मानते हुए केस को रफा दफा कर दिया, ख़त्म कर दिया, मामले का निराकरण कर दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब कभी भी आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन मैंडेटरी है कि आप उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में मेंशन करें। बहुत ही केयरफुली ड्राफ्ट किया जाना चाहिए जिससे किसी भी पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी के क्लॉज को मेंशन करना बहुत ही आसानी से और परिस्थिति के हिसाब से उसका निराकरण करने में सुविधाजनक हो। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जब कभी भी आप करेंगे तो ये ADR के अंतर्गत आता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अपने झगड़े अपने विवाद को किसी और तरीके से निपटाने का या आसानी से निपटाने का एक तरीका आप समझ लें। इंडिया में बहुत ही कॉमनली ये देखा जाता है, और इसके भी कुछ प्रकार हैं। क्या क्या हैं? मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, काउंसिलिएशन, न्यूट्रल एवेल्यूशन,
एंड सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, या इस प्रकार से आप ADR के प्रोसेस को भी समझ सकते हैं। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, काउंसिलिएशन, न्यूट्रल एवोल्यूशन और सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आप अपने विवाद को आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बाहर ही निपटाने के बारे में और भी सुविधाजनक जानकारी पा सकेंगे। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से संबंधित, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। पर्सनली अगर आप मुझे बात करना चाहें तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे बात कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में लिंक दिया हुआ है, जहाँ से डायरेक्टली आप मुझे रिक्वेस्ट मेंशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, जहाँ से आप अपॉइंटमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। दिल्ली में डायरेक्टली मिलना चाहें तो भी मुझे मिल सकते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी अपना ध्यान रखिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, जो आप कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं।